हेलो गाइज, मेरा नाम है नईम और आप देख रहे हो पैटर्न मास्टर जी। तो गाइज, आज का क्लास में हम और एक नया डिजाइन का पैटर्न क्रिएट करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो क्रिएट किया था, जो डार्ट पैटर्न के ऊपर हमने किमोनो स्लीव क्रिएट किया था, आज विदाउट डार्ट यानी प्लेन जो सिंपल पैटर्न होता है विदाउट डार्ट में, उसी में हम किमोनो स्लीव क्रिएट करेंगे। बहुत ही आसान है, ईजी है, बहुत शॉर्ट टाइम में बन जाएगा। तो सिर्फ आप लोग टेक्निक को फॉलो कीजिए, देखते रहिए एंड तक, तब आपको समझ आ जाएगा। तो गाइज, हम हमारे चैनल पर कैड के अलावा मैनुअल टेक्निक पर भी हम काम करेंगे। बहुत जल्दी मैनुअल टेक्निक पे हम वीडियो अपलोड करेंगे, और मैनुअल पैटर्न मेकिंग के साथ साथ ग्रेडिंग, काटिंग, स्टिचिंग, ड्रेपिंग, A to Z ऑल कंप्लीट आपको एक पैकेज मिलेगा पैटर्न मेकिंग सीखने का। आपसे मिस ना हो जाए इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, आइए आज का क्लास शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो गाइज देखो, ये है बेस किमोनो, वही जो पिछले क्लास में था वही बेस पैटर्न, लेकिन उसमें और इसमें इतना फर्क है, जो इस जगह पे जो डार्ट था पिछले क्लास में, अब इस पैटर्न में कोई डार्ट नहीं है। बहुत ही आसान है ये बनाना, सिर्फ थोड़ा सा टेक्निक का फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम कैड ओपन कर लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी मैनुअल पर भी काम करेंगे। और मेरा जो बेस पैटर्न है, बेस पैटर्न को भी हम निकाल लिए। अब देखो, जो पिछले क्लास में हमने बनाया था डार्ट पैटर्न के ऊपर, तो आज हम विदाउट डार्ट में बनाएंगे, ठीक है। टेक्निक वही है, इटालियन टेक्निक। हमारे इटालियन के अलावा इस चैनल पर आपको इंडियन भी टेक्निक मिलेगा। बहुत ही जल्द हम मैनुअल टेक्निक पे हम काम करेंगे, ठीक है। तो गाइज देखो, हम पहले इस पैटर्न को कॉपी कर लेते हैं, फ्रंट को। बैक और फ्रंट दोनों एक ही है, सिर्फ जो नेक है, नेक पॉइंट इस जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा माइनर से, ठीक है। लेकिन जो काटिंग है या फिर काट एंड स्लैश करना है किमोनो स्टाइल का, पूरा सब कुछ एक ही है, ठीक है। बहुत कम टाइम में बन जाएगा। अच्छा, पहले हम इसको अनवांटेड पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट हम करेंगे, पहले हम वही ड्राफ्ट टूल लेकर, जैसे किमोनो स्लीव में जो नेक से 6 सेंटीमीटर हम उठाते थे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अच्छा, अब करना है, देखो इस जगह से आपको नेक सेंटर पॉइंट से 2 सेंटीमीटर डाउन है, और इस नेक पॉइंट से 7 सेंटीमीटर का आपको ब्रॉड कर दिया गया, इसीलिए ये बोट नेक के जैसा आपको स्टाइल है। तो ये स्टाइल कुछ भी हो सकता है, बोट नेक भी हो सकता है या फिर राउंड शेप में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बोट शेप में ये है, तो हम इसी बोट शेप में ही बनाएंगे। तो ये नेक पॉइंट से 7 सेंटीमीटर और ये नेक पॉइंट से आपको सेंटर नेक पॉइंट से 2 सेंटीमीटर डाउन करके आपको एक पॉइंट दिया गया, तो हम वही कर लेंगे। ऐसा नहीं है जो 2 सेंटीमीटर ही देना है, 2 सेंटीमीटर के जगह अगर आप 2.5 सेंटीमीटर भी दे सकते हो, इस तरफ 7.5 सेंटीमीटर भी दे सकते हो, मतलब एक बोट शेप देने के लिए जितना सेंटीमीटर होनी चाहिए आपके हिसाब से बनाओ। इसमें सिर्फ जो जैसा स्केच है उस हिसाब से हम बनाते आ रहे हैं। 7 सेंटीमीटर पे एक ग्रेड पॉइंट लगा दिया। अच्छा, अभी इस नेक को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, और एक चीज़ है, ये जो पैटर्न है थोड़ा सा लॉन्ग है, चाहे आप लॉन्ग कुछ भी कर सकते हो, आपके पास जब स्केच आएगा या फिर मेजरमेंट को आपको फॉलो करना है, जो कितना सेंटीमीटर ये लॉन्ग रखना है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर या फिर 80 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। चलो मैं एक अप्रॉक्स ले लेंगे इसको, इसमें हम बढ़ाने के लिए ये टूल्स को यूज़ करेंगे, देकर हमने चलो 30 कर लेते हैं, 30 सेंटीमीटर हम बढ़ा देंगे, ठीक है। ये लॉन्ग हो गया 30 सेंटीमीटर, कहाँ से, वेस्ट से, कमर से, टोटल नहीं, टोटल अगर आपको देखना है तो आपको ये 73 सेंटीमीटर का आपका ये लेंथ हुआ है, ठीक है। कंट्रोल टी इसको। अच्छा, अब करेंगे इस आर्मोल पॉइंट से 10 से 15 सेंटीमीटर आपको एक पॉइंट लगाना है, ठीक है,
10 से 15 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, हम जो बेस में है, स्केच में है, उस हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने इस जगह से एक पॉइंट दे देंगे जो 12 सेंटीमीटर, हमने ना 10 लिया ना 15, हमने 12 सेंटीमीटर, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जो बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन टेक्निक को आपको सही से फॉलो करना है। तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा इधर उधर करके आप देख सकते हो, मैनुअली इसको काट के फिर फैब्रिक काट के स्टिच करके देख सकते हो जो ये कैसा एक परफॉर्मेंस आता है। लेकिन हाँ, इतना आप करोगे, ये एक इटालियन टेक्निक है, बहुत ही परफेक्ट टेक्निक है। क्योंकि हम देखो, पहले तो हम इंडियन टेक्निक पे काम करते थे, जब भी हमें ये टेक्निक हमने इसके ऊपर काम करके देखा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा लगता है इसमें टेक्निक के ऊपर काम करने में, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं होता है, बहुत ही कम आपको टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा और काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर। ये एक गाइडलाइन हमने लिया इस पॉइंट से, इस पॉइंट के ऊपर एक हमने, सॉरी, इसमें हमने एक एरो हमने डाल दिया ऐसा। ठीक है, क्यों, ये जो शोल्डर पॉइंट है, ये शोल्डर पॉइंट से देखो, ये जो लाइन गया ऊपर की तरफ, ये है वो लाइन सीधा, ये वाला। ठीक है, उसके बाद तो ये आपको कम कर दिया गया, जो स्लिप्स का जो ओपनिंग होता है 5 सेंटीमीटर करके दोनों तरफ, 10 सेंटीमीटर, या फिर आप पूरा ही रख सकते हो, ये मैंने आगे चल के बताएंगे। ठीक है, तो ये एक लाइन हमने, ये वाला लाइन डाल दी। अच्छा, अब देखो, जो इस जगह से जो 10-15 सेंटीमीटर नीचे यहीं पे जो एक पॉइंट लगाया था, इस जगह से काट होगा, देन ये स्लैश होगा। स्लैश कितना होगा, 8 से 12 सेंटीमीटर ये स्लैश होगा। ठीक है, लेकिन पिछले क्लास में हमने जैसे दिखाया था, जो वो डार्ट वाला पैटर्न में, ये जब काट करके स्लैश किए तो ये पॉइंट को इस शोल्डर के ऊपर मिलाया था, लेकिन इसमें हम वो नहीं करेंगे, जो बोला नहीं, जो माइनर सी डिफरेंस है, तो उतना ही हम डिफरेंस देखेंगे आज क्या है। इसको और एक कॉपी कर लेंगे हम, और इसको हम फिर 90 डिग्री पे घुमा देंगे। ये 90 डिग्री क्यों, इस जगह से हमने स्लीव्स का लेंथ ले लेंगे -58 सेंटीमीटर, या फिर आप 55 रख लो, कुछ भी रख लो, या फिर 60 रख लो। ठीक है, ये आपको मेजरमेंट को, क्योंकि ये बेस जो है, बेस से हम थोड़ा सा इधर उधर करके देखते हैं, लेंथ ज़्यादा कम। ठीक है, लेकिन जो टेक्निक, मेन टेक्निक होता है इस जगह पे अगर छेड़छाड़ करोगे तो फिर वो थोड़ा सा आपको खराब हो सकता है। ठीक है, चाहे लेंथ पे आप कम घटाओ बढ़ाओ, कुछ दिक्कत नहीं है होगा। अच्छा, फिर हम इस जगह से इसको जूम करके सही जगह पे, पॉइंट पे लगा दीजिए। मैनुअल करोगे तो सेम वैसे ही आपको मैनुअल करना है। और ये बॉटम ओपनिंग अप्रोक्स हम रखेंगे मान लो 20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें बेस पैटर्न में कुछ मेजरमेंट इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो हमने अप्रोक्स ऐसा एक लेके चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इस जगह पे लाके इसको एंड करेंगे। ठीक है, फिर और एक हम पॉइंट दे देंगे इस जगह से, इसमें, क्योंकि ये काट एंड स्लैश होगा। ठीक है, अच्छा, अब करेंगे इसको कॉपी। फिर इसको हम इसको हटा देते हैं, कंट्रोल ऑल जी गाइडलाइन को डिलीट कर देते हैं, जो काम है मेरा इस पैटर्न, इस पैनल के ऊपर। ठीक है, कॉपी कर ले। अच्छा, अब इसको काटना है, काटने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी ला के अप्लाई कर दो, ये काट गया। देन इसको आप रोटेट करो, रोटेट करके ये कितना खोलना है, 8 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे इसमें है 8 से 12 सेंटीमीटर, 8 से 12 सेंटीमीटर आपको खोलना है, स्लैश करना है। तो हमें इस पॉइंट पे लाके ऐसा एक उठा देंगे। तो उसके बाद ये मेज़र कैसे करना है, अगर आप मैनुअल करोगे तो मेज़र टेप से आपको इसको करना है, या फिर इसमें करोगे तो ये देखो 15 सेंटीमीटर हो गया। तो फिर आप रोटेट टूल से इसको डाउन करोगे, फिर मेज़र करोगे, उससे अच्छा, सबसे अच्छा है आप ड्राफ्ट टूल लो,
ठीक उसी पॉइंट के ऊपर ला के छोड़ दो, फिर यहीं पे आप कर दो मान लो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर करने से देखो ये पॉइंट आके यहीं तक रुक गया है, ठीक है, तो ये उसी पॉइंट के सीधा सीधा ही है। अब आपको करना है रोटेट टूल लेकर उसी पॉइंट को देके फिर वो पॉइंट के ऊपर बिल्कुल लगा देना है, फिर मूव टूल लेकर थोड़ा सा पॉइंट को आपको मिलाना है, मूव टूल लेकर इस जगह पे आपको एंड करना है, देन कंट्रोल टी ट्रैक लाइन डिलीट, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब काम रह गया जो इसको कर्व देना है, उससे पहले हम और एक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों अभी तो फिलहाल किसी काम का तो है नहीं, इसको हटा देते हैं। अब मेन काम है इसमें, इसमें क्या करना है आपको, एक अच्छे से शेप देना है और इसको डिलीट करना है, नेक पॉइंट को कंट्रोल टी, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है ऊंचा नीचा है, इसको आपको सही से देख के डिलीट करना है, ये सब अनवांटेड एक कॉपी करने से ये आ जाता है, ठीक है। ये फिर इसको आप कंट्रोल टी से ट्रैक लाइन डिलीट करो, देन इसको आप शेप बहुत अच्छे से शेप दे सकते हो। उससे पहले आपको हाफ लाइन खोल के देख लेना है जो ये शेप कैसा आ रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर इसको अच्छे से एक शेप दे सकते हो, क्योंकि सिंगल पैनल पे रहेगा तो फिर उतना अच्छा आपको पता नहीं चलेगा जो कि शेप कैसा हो रहा है कैसा आ रहा है। तो सबसे अच्छा है जब भी आप नेक बनाओ उसके बाद उसको फोल्ड आउट कर लो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल प्रॉपर शेप की। तो हम उसी जगह पे चलते हैं, कंट्रोल टी ट्रैक लाइन, अच्छा अब हम करेंगे इसको, और इसको शेप देने के लिए थोड़ा सा आपको माइनस सी इसको मिलाने के लिए ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे ला सकते हो, और इसको भी थोड़ा सा ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंट्रोल टी, क्योंकि तब ये एक अच्छा सा शेप बनेगा। चाहे तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, ऐसा ना हो जो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऐसे ही आके रह जाए, इसको मिलाना है आपको, ठीक है, एक अच्छे से, इसलिए वो थोड़ा सा हमने जो नीचे लाया इसी वजह से, ठीक है, कंट्रोल टी, अच्छा ये यहीं पर भी हल्का सा पॉइंट है, ये पॉइंट आप कैसे चाहे तो यहीं से उठा के भी आप उसको पॉइंट को रीसेप कर सकते हो, नहीं तो फिर इस जगह से आप थोड़ा सा घटा के जैसे बेस पैटर्न में है, ठीक है, थोड़ा सा कम करने के बाद ये देखो ये हल्का राउंड शेप आ गया, ओके। तो हम मान के चलो इसमें हम 3 सेंटीमीटर कम कर देंगे, 3 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर इसमें कम कर देंगे, और इस तरह भी हम चाहे तो 2 सेंटीमीटर कम करेंगे। जरूरी नहीं है ये काम करना, क्योंकि ये काम करोगे आपको स्केच देखकर, यही पैटर्न आगे चल के हम दिखाएंगे, जो इसकी जो ओपनिंग है ब्रॉड है ये बहुत ज्यादा भी होता है और इससे कम भी हो सकता है, ठीक है, मैं दिखा देंगे वो भी। चलो हमने ये पैटर्न को पहले थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है, उसके बाद इसको हल्का सा शेप दे देंगे, जैसे स्केच में है वैसे ही उसी हिसाब से हम इसको बना रहा हूँ, कंट्रोल टी, अच्छा अभी कंट्रोल टी नहीं करेंगे, देखो ये वाला जो है ये पैटर्न, ये 5-5 सेंटीमीटर करके कम कर दिया, ये कुछ भी हो सकता है, आप 5 सेंटीमीटर कम कर सकते हो या फिर आप 3 सेंटीमीटर कर सकते हो, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी टाइप का देखो और एक पैटर्न मैं आगे चल के दिखाएंगे, तो खैर अभी देखो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बेस पैटर्न रेडी हो गया, कंट्रोल टी ट्रैक लाइन को डिलीट कर दिए। अब देखो ये शेप थोड़ा सा पहले से अच्छा आए, और चाहे तो इसको और भी अच्छा बना सकते हैं, कंट्रोल टी, अब देखो थोड़ा सा राउंड शेप आ गया, ठीक है। अब यहीं पर जो हम नेक को भी खोल के देख लेते हैं और एक बार,
ठीक है, तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो और भी थोड़ा सा हल्का आप सेप दे सकते हो, कंट्रोल टी, ठीक है, इसी सब से बनता है। अच्छा, यही चीज हम जो बोल रहे थे, देखो उसी पैटर्न के ऊपर, ये जो पैटर्न मेरा बना हुआ है, इसी पैटर्न के ऊपर ही बहुत टाइप का आपको स्लीव्स का डिजाइन मिलेगा, क्योंकि ये किमोनो स्लीव है। किमोनो स्लीव का बहुत टाइप का आपको पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। जैसे वही सेम पैटर्न, वही ये फ्रंट है और ये बैक है, ये दो पैटर्न को मिला के वन पैनल स्लीव्स पे ये बना हुआ है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, जैसे ये 45 डिग्री पे, या फिर ये जो स्लीव्स है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, इसको कॉपी कर लेंगे पहले। अच्छा, और एक कॉपी कर लेंगे, ये दोनों हो गया, इसको घुमा देता हूँ। अच्छा, अब देखो ये जो पैटर्न है, इसको मैंने वर्टिकली हम इसको रख देंगे, और इसको भी हम वर्टिकली रख देंगे, ठीक है। अब देखो ये दोनों पैटर्न को जोड़ देंगे, चाहे तो आप ज्वाइन कर दो, जे फॉर ज्वाइंट, वन पैनल पे ये कंट्रोल टी, वन पैनल स्लीव्स, ये बन गया जैसे ये है, ठीक है। ये 45 डिग्री पे है। अच्छा, ये अगर और एक नेक्स्ट पैटर्न में देखो, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल पे रखा हुआ है, जो ये सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर को हॉरिजेंटली रखोगे तो फिर ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है स्लीव्स, ये देखो, ठीक है। तो इसकी स्केच देखो, ये बबल के जैसा आ रहा है, फिर रिस्ट के यहीं पे हो सके पट्टी दिया हुआ है, या फिर इलास्टिक लगा हुआ है, या फिर रिब दिया हुआ है, कुछ भी है, ठीक है। तो इस टाइप का भी होता है एक ही पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो हम ये सब बना के नहीं दिखाएंगे, चाहे तो आप इसको प्रैक्टिस करो, या फिर मैनुअल करके देखो इसको क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो वही पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको एक अच्छा एक डिजाइन पैटर्न निकाल सकते हो। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था, जो देखो ये पैटर्न के ऊपर काम करके इतना आपको परफेक्शन मिलेगा, मैनुअल करके भी आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। जो एक इंडियन क्रिएट इंडियन पैटर्न मेकिंग के ऊपर काम किए, उसके बाद एक इटालियन टेक्निक के ऊपर काम करके आप देखोगे, तो खुद ही दोनों में फर्क आपको दिखने को मिलेगा। तो ठीक है गाइज, आज का क्लास इतना ही है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और एक नया डिज़ाइन का पैटर्न क्रिएट करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।